हाई फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज का वीडियो आपने टाइटल से तो पढ़ ही लिया होगा, सो सॉरी का है। मेरे फेवरेट होते हैं, बहुत ही सुंदर होते हैं, छोटे होते हैं पर बड़े मजेदार होते हैं। मजेदार इन द सेंस कि बड़ा अच्छा, उसमें एक मैसेज हमेशा होता है। तो आज के वाले में देखेंगे क्या मैसेज है। तो पहले पढ़ते हैं टाइटल। तो टाइटल है अनलॉक 1.0 इन इंडिया। तो अनलॉक तो हमें पता है हो गया, पहले वो कहते थे लॉकडाउन है, तो अब लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेप लिया उन्होंने तो वो अनलॉक 1.0 हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप लिया जाएगा तो मेरे ख्याल से वो अनलॉक 2.0 शायद कहलाया जाएगा। तो ऐसे लग रहा है उसके ऊपर इन्होंने ये वीडियो बनाया है। तो मुझे तो देखना है कि एग्जैक्टली क्या है इसमें, क्या बता रहे हैं ये, क्योंकि मेरे को कोई आइडिया नहीं है। पर यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले आपको पता है ना, अगर आप नए हो तो आपको क्या करना है। यस फ्रेंड्स, आपको वो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक करना है और सब्सक्राइब करना है, और उसके साथ जो घंटी है, बेल का आइकन है, उसको क्लिक करना है ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। एंड वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो सबने जो भी देख रहा है करना है लाइक इस वीडियो को और शेयर करना है ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं आज का सो सॉरी का अनलॉक 1.0 इन इंडिया। So sorry. Woodland Mall restaurants reopen. Okay. Oh, temperature check. मॉल में जाने के लिए सिक्योरिटी। ओ कपड़े देखिए। काफी मजेदार था। इनके कार्टून्स बड़े जबरदस्त होते हैं, छोटे से होते हैं और होते बड़े हैं, कि भाई साहब जो है पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर, उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अनलॉक क्या है, अनलॉक 1.0, और उनको ख्याल आ रहे हैं कि क्या हाल होगा, और अल्टीमेटली कहते हैं नहीं बाबा, मेरे को अनलॉक 1.0 में नहीं जाना। और अल्टीमेटली बहुत अच्छी तरीके से दिखाया कि वो जा रहे हैं तो सब लोग पूरे गियर में बैठे हैं, पूरे जो पीपीई था पूरा पहन के, मास्क और वो सब, मास्क और जो बैंड है और सब कुछ पहन के, कपड़े पूरे टाइट पहन के बैठे हैं और एक एक करके प्रोसेस कर रहे हैं बंदे को, जैसे एयरपोर्ट की सिक्योरिटी में प्रोसेस हो रहा है। और आगे आगे जाके फिर रोबोट्स रखें कि ये तकलीफ ना हो लोगों को, रोबोट्स फिर सिक्योरिटी चेक कर रहे हैं, फिर टनल्स हैं उसमें से घुस के जाना पड़ रहा है, टेम्परेचर चेक हो रहा है, और उसके बाद स्प्रे भी हुए चारों ओर। उसके बाद वहां गए तो देखे कपड़े जो है, कपड़े सारे चेंज हो गए, कपड़े पीपीई बिक रहे हैं कि ये पहने अब क्या पहनोगे, पीपीई पहनोगे, तो वही जगह देख रहे हैं तो अच्छा ये मॉल भी गड़बड़ होगी। उसका खाना खाते हैं तो देख रहे हैं खाने वाला भी दूर बैठा है, फेंक रहा है, दूर से अपना फेंक रहा है फूड। और उसके बाद वो बोल रहे हैं हाथ मत लगाओ इन चीजों को, हम तुम्हारे मुंह में ठूसेंगे, तो उसके मुंह में ठूसे जा रहे हैं। तो मतलब जो दिखाया था उससे डेफिनेट, और वो जो नाई का दिखाया कि बार्बर के पास हेयर कटिंग के लिए जा रहे हैं और वो भी दूर दूर से काट रहे हैं, पास नहीं आना और वैसे करे, तो अल्टीमेटली बंदे को कहलाता रहे हैं कि पूरा पढ़ के न्यूज पेपर की ये जो है प्रोसीजर्स होंगे अनलॉक 1.0 के, उसको लग रहा है कि ये जो है बहुत ज्यादा मारा मारी, इससे बेटर है कि मैं घर में बैठे रहूं। तो यही था, बहुत अच्छा
सो इन्होंने पोर्ट्रे किया है कि अनलॉक 1.0 अभी भी कोई ज्यादा अनलॉक नहीं है, वेट करिए 2.0 की 3.0 की, तब देखिए कि अगर सबको, वैसे भी इंडिया में काफ़ी केसेस बढ़ रहे हैं अभी और मेरे ख्याल से 12,000 इन्फेक्शन थे पर डे, तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं अभी, क्योंकि ग्राफ अगर आप देखें तो ऊपर ही जा रहा है, तो जब तक ग्राफ स्ट्रेट नहीं, लाइन नहीं होता और तब तक मेरे ख्याल से कोई दूसरा अनलॉक होगा नहीं, और जब स्ट्रेट होगा तब एक अनलॉक होगा, जब डाउन जाएगा तो मेरे ख्याल से एक और अनलॉक होगा। सिमिलर तरीके से यूएसए में भी हो रहा है कि पहले ऊपर गया था, अब जो है थोड़ा स्ट्रेट गया तो अनलॉक हुआ, अब थोड़ा ऊपर जा रहा है मगर थोड़ा ऊपर नीचे जा रहा है, तो ऐसे मतलब वेवी लाइन आ रही है अभी, तो देखेंगे आगे क्या होता है और नेक्स्ट जो यहाँ पर भी जो अनलॉकिंग तभी होगी जब थोड़ा ग्राफ नीचे आएगा। तो फ्रेंड्स मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़ा मजेदार था, बहुत अच्छा मैसेज था। मैसेज पता क्या था कि अनलॉक हो गया है पर फिर भी घर से मत निकलो, क्योंकि अनलॉक का ये मतलब नहीं है कि सब नॉर्मल हो चुका है, आप जाओगे तो ये सब प्रॉब्लम्स आपको आएंगी, क्योंकि अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग करना है, अभी भी इन्फेक्शन है। तो वो यही बता रहे हैं कि ये सिचुएशन होगी, अगर आप सोच भी रहे हो जाना है तो आपको ये प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, ये हालात होंगे। तो बेस्ट था कि एंडिंग जो उन्होंने की वो बड़े मजेदार थी, कि वो बेचारा न्यूज़पेपर पढ़ते हुए ये सब उसने सोचा और उसके बाद उसने कहा भैया ये सब कष्ट करके अपने आप को रिस्क में डालना और ये सब करना, इससे बेटर है मैं घर में ही रह लूं, क्योंकि मेरे को कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं मॉल जाऊं या रेस्टोरेंट में खाना खाने जाऊं। और इन्होंने ये भी दिखाया कि मंदिर में भी जब जाते हैं तो वो सर्कल सर्कल बनाए कि पहले एक जाएगा भगवान जी को जय करेगा फिर उसके बाद आपकी टर्न आएगी, और उसमें दिखाया कि आप घंटी भी नहीं बजा पा रहे, आप कुछ भी नहीं दे सकते, और जब वो देते हैं चरणामत तो वो उसकी जगह उन्होंने दिया था स्प्रे कि हाथ साफ कर लो अब तुम डिसइंफेक्ट, पर आपको आदत है, आपको लगा कि वो आपको चरणामत दे रहे हैं, आपने उसको पी लिया। तो हर जगह उन्होंने यही दिखाया कि कोरोना की वजह से जो आपको करना है डिसइंफेक्टिंग, हैंड सैनिटाइजिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहन के, वो सब जो है वो अभी भी चल रहा है जबकि अनलॉक जो है हो चुका है। एंड यस फ्रेंड्स, इंडिया की जो हालात है हम रेगुलरली देख रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, उससे पता चल रहा है कि जैसे पहले यूएसए के हालात हो रहे थे वैसे अब इंडिया में होने शुरू हो गए हैं। तो बस यही है, आपसे प्रे करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपना बहुत ध्यान रखो, बाहर मत निकलो अगर जब तक आपको बहुत जरूरी ना हो, क्योंकि इतनी न्यूज आ रही है कि सुन के डर लग रहा है। पहले जैसे हमारे यहाँ न्यूयॉर्क में हो रहा था कि इतने लोगों की डेथ हो रही है, बॉडीज जो है बॉडी बैग्स में डाल डाल के वो ट्रकों में डाल रहे हैं न्यूयॉर्क के अंदर, वैसे ही अब दिल्ली के बारे में भी न्यूज आ रही है, बाकी जगहों के बारे में भी न्यूज आ रही है, तो सुन के बहुत डर लग रहा है, बहुत घबराहट हो रही है। तो बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है और आप बुरी हालत हो रही है हॉस्पिटल्स के अंदर, अगर आपको आप इन्फेक्टेड हो गए हो तो आप अगर कोशिश भी कर रहे हो हॉस्पिटल्स में जाने की, वो इतने ओवरक्राउडेड हो गए कि वो और न्यू पेशेंट्स ले नहीं रहे हैं, तो और उसकी वजह से कई ऐसी ऐसी न्यूज आ रही है कि आप डर जाओगे, आप कांपोगे डर के। तो और बहुत आपको सुनने को मिलेगा कि आपके आसपास तक वो आप पहुंच गए, आपके जान पहचान के लोगों को भी हो रहा है, तो वो बहुत डर की बात है जब आपको पता चले कि आपके आसपास पड़ोसियों या रिलेटिव्स उनको भी होने लग गया है। तो बस आपको यही होप कर रहे हैं कि आप लोग सब सेफ रहो, घर में जितना हो सके रहना और जो भी प्रिकॉशंस है वो प्लीज लेना, क्योंकि ये कोरोना जो है कहीं गया नहीं है अभी, हमारे यहाँ यूएसए में भी है जबकि अनलॉक हो गया है, फिर भी हमारे यहाँ है, लोग कई ऐसे घूम रहे हैं जैसे सब ठीक हो गया है और एकदम से उसकी वजह से जो है वो स्पाइक हो जाएगी, फिर वही कहते हैं ना जैसे सेकेंड वेव वो आ जानी है, तो वही उसी बात का मुझे बहुत डर है कि इंडिया में यूएस में ये ना हो। तो प्लीज टेक केयर, और बैक टू दिस वीडियो, बहुत ही अच्छा वही वो भी मैसेज दे रहे हैं कि आप घर में ही रहो, चाहे अनलॉक करा है मजबूरी में किया है, ये सब लोग जो कर रहे हैं कंट्रीज जो अनलॉक कर रही है उनको मजबूरी में करना पड़ रहा है, एक्चुअली में सिचुएशन ठीक नहीं है। तो वही उन्होंने मैसेज दिया है कि अनलॉक हो गया है पर प्लीज अभी भी घर में ही रहो। तो फ्रेंड्स आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट विशेस, स्टे एट होम, स्टे सेफ। तो अब हम चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो
ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।